रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा अंतर्गत अतरैला में पंजाब के सीएम भगवंत मान और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने चुनावी सभा की। दोनों नेताओं ने अप्रत्याशी सरिता पांडे के पक्ष में समर्थन मांगा। सतना जिले के शिक्षा विभाग में एक अजब गजब मामला सामने आया है, जिसमें हेडमास्टर का प्रभार संभाल रहे एक शिक्षक ने शिक्षा विभाग के जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीईओ को ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि प्रभारी हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। इन्हीं कवायदों के बीच इस बार यूपी और एमपी के अफसर 14 अक्टूबर को पहली बार सतना जिला मुख्यालय में बॉर्डर मीटिंग में शामिल होंगे। विश्वविख्यात माता शारदा की नगरी मैहर में लगने वाले शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियों को रफ्तार देने मैहर कलेक्टर रानी बातर प्रशासनिक और पुलिस अमले के साथ सड़क पर उतरी। दहेज प्रताड़ना से तंग होकर एक नवविवाहिता के आत्महत्या कर लेने के मामले में अदालत ने पति को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। स्कूल शिक्षा में अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की मनमानी छुट्टियां स्वीकृत बंद होंगी। संचालक लोक शिक्षण ने आदेश जारी कर इस व्यवस्था पर रोक लगा दी है। जबलपुर में ठग दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जादू टोने और जमीन से गड़ा हुआ धन निकालने के नाम पर की थी लाखों रुपए की ठगी। मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने 2 जिलों के कलेक्टर और 2 जिलों के एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। नवरात्र पर्व और दीपावली के त्योहार के बीच प्रदेश में होने वाले चुनाव प्रचार में राजनेता पूजा के बहाने सभा नहीं कर सकेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ धार्मिक स्थलों के मामले में भी चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज केस में आज होगी अंतिम सुनवाई। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।